बर्तानिया का कहना है कि कोरोना वायरस की नई किस्म ओमिक्रॉन की जैली किस्म 40 मुल्कों में फैल चुकी है। ये इतनी खतरनाक है कि पीसीआर टेस्ट में भी इसका पता नहीं चलता। माहिरीन ने इस किस्म को सल्ते ओमिक्रॉन का नाम दिया है और खदशा जाहिर किया है कि इसकी वजह से यूरोप में कोरोना बदतरीन लहर शुरू हो सकती है। आलमी इदारा सेहत WHO के मुताबिक ओमिक्रॉन की 3 जैली अकसाम है जिन्हें BA1, BA2 और BA3 के नाम दिए गए हैं। इस वक्त दुनिया भर में ओमिक्रॉन के जितने भी केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं उनमें सबसे ज्यादा BA1 कैटेगरी के हैं, ताहम BA2 कैटेगरी के केसेस भी तेजी से फैल रहे हैं। डेनमार्क में 20 जनवरी तक कोरोना के जितने भी एक्टिव केसेस थे इनमें से निस्त से जायद BA2 कैटेगरी के थे। बरतानवी महकमा सेहत के हुक्काम का कहना है कि BA2 कैटेगरी के हवाले से मजीद तहकीकात जारी है। बरतानिया और डेनमार्क के अलावा BA2 कैटेगरी के केसेस स्वीडन, नॉर्वे और इंडिया में भी रिपोर्ट हो रहे हैं। फ्रांस और भारत के माहिरीन ने इस कैटेगरी के हवाले से खदशात का इजहार करते हुए कहा है मुमकिन तौर पर जल्द ही इसके केसेस BA1 कैटेगरी से भी ज्यादा हो जाएंगे। मुहक्कतीन के मुताबिक BA2 में 32 खसूसियात BA1 कैटेगरी वाली हैं, लेकिन इसकी अपनी अलहदा 28 म्यूटेशंस भी मौजूद हैं जो इसको ज्यादा खतरनाक बनाती है।